वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट, इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको भी घुमाएंगे साथ में नेपाल, क्योंकि ये ट्रिप स्टार्ट हो रही है अभी। प्रोग्राम तो कल का था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कैंसिल करना पड़ा, तो आज का प्रोग्राम बना है और हम निकल रहे हैं अपने घर से नेपाल के लिए। बाकी रास्ते में आपको डिटेल्स बताते चलेंगे, जो भी होगा दिखाते चलेंगे। मिलते हैं रास्ते में। हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और एक जगह पर रुके हैं, जिनसे अभी एक दोस्त से मिलना है। उनसे मुलाकात करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। वैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था सुल्तानपुर हाईवे, वहाँ से हम निकल के एक बाईपास होते हुए हम पहुँचेंगे रामसनेही घाट, जो हमें एक जगह है रामसनेही घाट जो हमें कनेक्ट कराएगी फैजाबाद हाईवे से, और फैजाबाद हाईवे से हम सीधे पहुंचेंगे अयोध्या। और आगे की जर्नी का अपडेट लगातार बना रहेगा, आपको बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे सब कुछ। तो अंत तक देखना, वीडियो में मज़ा आने वाला है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या ले रहे हैं सर? ले रहे राम जन्मभूमि अयोध्या को पार करते हुए हम आ गए बस्ती। अब यहाँ से एक बाईपास लेकर सिद्धार्थ नगर निकलेंगे, उसके बाद हम पहुँचेंगे सनोली बॉर्डर।
रात भर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं नेपाल बॉर्डर के बहुत करीब। यहाँ से बॉर्डर लगभग 200 मीटर के आसपास है। अभी बॉर्डर खुलने का टाइम नहीं हुआ है, तो जैसे ही बॉर्डर खुलेगा और एंट्री स्टार्ट होगी वैसे ही हम लोग एंटर कर जाएंगे नेपाल में और फिर कंटिन्यू जर्नी बनी रहेगी। ये आप देख सकते हैं सारे ट्रक्स बॉर्डर ओपन होने का ही इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसी ही इस रोड पे लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है जिसे हम अभी क्रॉस करके आए हैं। तो जैसे ही बॉर्डर खुलेगा इनकी सबकी एंट्री शुरू हो जाएगी।